जा रहा हूँ आपको। Hey guys, how are you all? Welcome back to another vlog. एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, और फिलहाल है हम देहरादून में। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं रोबर्स केव। यस, रोबर्स केव। आप पूछोगे यार, रोबर्स केव ये कौन सी जगह है? बेसिकली हम गुच्चू पानी जा रहे हैं। गुच्चू पानी हर कोई जानता है, लेकिन रोबर्स केव नहीं। बेसिकली इंग्लिश में उसको रोबर्स केव ही कहते हैं। तो हम जा रहे हैं रोबर्स केव काफी टाइम बाद एक्सप्लोर करने। और एज यू नो, अपनी चल रही है उत्तराखंड की रोड ट्रिप, आई मीन मॉनसून वाली। आज कोई बारिश नहीं हुई है, तो आज डिसाइड करा आज हम एक्सप्लोर करते हैं गुच्चू पानी। उससे पहले लोकल स्ट्रीट फूड ट्राई करने वाले हैं, और आज हम लोग जा रहे हैं चार लोग। कौन लोग मिलवाते हैं? आलम भाई, कैसे भाई? बहुत बढ़िया। और पीछे अपने हर्षित भाई, एज यू नो, और अपने हैदर भाई। हाँ जी भाई, कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा। चलो बढ़िया है। तो भाई पहले ना कुछ खाते हैं, भूख बहुत जोर की लगी है। नो डाउट वहाँ भी मिलता है खाने के लिए, लेकिन वहाँ मिलेगी मैगी एंड ऑल। कहाँ जा रहे हैं ये बताएंगे अपने हर्षित भाई। और आज हम जा रहे हैं यहाँ का गढ़ी का फेमस चिकन चाउमीन खाने। आज हम बेसिकली गढ़ी में यहाँ का फेमस है। फेमस है? पक्की बात। चलो भाई खा के तो देखो। चलो भाई तो भाई चलते हैं, खाते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसा टेस्ट है वह। चलो भाई चलते हैं, भूख बहुत जोर की लगी। फ्रेंड फाइनली पहुंच गए हम गढ़ी कैंट। दिखाते हैं कौन सी शॉप है। चलो भाई उससे पहले अपनी कार को लॉक कर देते हैं, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। कार लॉक। और भाई हम वहां पे जा रहे हैं फास्ट फूड सेंटर, यहां से रास्ते जाने के लिए। और ये आगे रास्ता जाए मसूरी के लिए, आगे जाके राइट टर्न। ये है अपना पुलिस स्टेशन जिसमें मूवी की शूटिंग हुई थी। मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, वो डिस्प्ले पे जरूर आ रही होगी, वहां पे शूट हुआ था उस मूवी का। चलो भाई ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड फाइनली अपनी चिकन चाउमीन आ चुकी है। दोनों तरफ चिकन चाउमीन है, बेसिकली ये नॉन स्पाइसी और ये स्पाइसी है। अक्षय भाई और हर्षित भाई खा लोगे दोनों प्लेट? नहीं हो पाएगा? अरे खा के दो, खा लोगे भाई यार। हम चार लोग खा रहे हैं और चाउमीन विद थम्स अप। तो फटाफट खाते हैं और आई जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फाइनली पहुंच गए हम रोबर्स केव यानी कि गुच्चू पानी। तो गाड़ी भी कर दी है पार्क्ड, काफी बढ़िया स्पेस है पार्किंग का यहाँ पर। जब हम 5-6 साल पहले आए थे तब इतना स्पेस नहीं था। और हर्षित भाई वाकई मजा आ गया लंच करके ना, मतलब फास्ट फूड जो था बढ़िया थी। अरे ठीक, कहाँ पे एक बार एड्रेस तो बता दो। गढ़ी चौक पे, गढ़ी चौक देहरादून उत्तराखंड। और मौसम देख लो बॉस, क्या खतरनाक हो रखा है। और भाई हमने यहाँ पे कर दिया कार पार्क, मैक्सफोन एंड हेक कार कार्गो भी कर देते हैं लॉक्ड। गोप्रो अपन ने ले लिया है गोप्रो। चलते पानी में, एक्साइटमेंट है पानी में जाने की भाई। लास्ट ईयर गए थे अपन सब, हम चार भाई आए थे तकरीबन 18 में आए थे ना, ऑलमोस्ट 18 में आए थे। और आज बारिश भी नहीं हुई है, तो मौसम एकदम गर्म गर्म हो रहा है, धूप निकली हुई पूरी। मैं पता कितनी बार आया, मैं 2013 में आया हूँ यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था। दो बार 2013 में दो बार आया था। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आया 2018 में गुच्चू पानी, उसके बाद 2021 में आया। वाह, में 22 में। आज जबकि जहाँ हम हैं अभी वहाँ से सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक बात और, FRI तो वॉकिंग डिस्टेंस पे हम वो नहीं कवर कर पा रहे हैं। IP चौक जस्ट
हाँ मतलब कि 500 मीटर है, 500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस है एग्जैक्ट। चलो भाई ये ट्रैक पे से आगे चलते हैं और फटाफट गुच्चू पानी पहुंचते हैं और एक्सप्लोर करते हैं गुच्चू पानी। ये है गुच्चू पानी की मार्केट इस साइड और यहाँ पे एंट्रेंस है, एंट्रेंस में ये देखो भाई क्या मौतू नार गया सीमेंटेड वाला, और वो है टिकट काउंटर। भाई यहाँ का एंट्री फेयर है 35 रुपीज, 7 साल से बड़े बच्चों का टिकट लगेगा, उनसे जो नीचे है उनका नहीं लगेगा, 35 रुपीज पर पर्सन। चलो भाई टिकट हमने ले लिया है और ये नहर आगे से आ रही है, गुच्छू पानी वाली नहर है ये। तो ये फाइनली आ चुके हैं अपन गुच्छू पानी और पानी बहुत ठंडा है, और भाई पानी ठंडा ही नहीं ठंडा है भाई, ये रहा पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, और मोबाइल के जेब में और अपन शूट कर रहे हैं अब GoPro से। आगे चलते देखते हैं बाहर भाई, और जा रहे हैं हम रोवर्स केव की गुफाओं में, और इतने सारे लोग और पानी बहुत सारा, मोबाइल लिए जेब में और डर भी लग रहा है गीला ना हो जाए, खैर जो भी है चलते हैं बाहर। और ये गुफाएं वाह, और कैसे लग रहा है आलम भाई काफी टाइम बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा गुफाएं गुच्छू पानी की गुफाएं। हाँ भाई लेकिन इस बार थोड़ा गंदा पानी की बारिश हो रही है। हाँ बट जब बारिश चली जाती है ना उसके बाद जो नीला पानी आता है पूरा पत्थर दिखता है यहाँ पर नीचे जो पेबल्स वगैरह हैं बहुत क्लियर होता है पानी। तो इसमें बहुत एंड पे गए थे यहाँ से ऑलमोस्ट 300 मीटर लेफ्ट पे जाएंगे आगे। हाँ और भाई बहुत ज़्यादा आगे नहीं पहुँच गए भाई, लेटो यहीं पे, लेटो यहीं पे चलते हैं। फ्रेंड पानी का जो फ्लो है ना काफ़ी तेज आ रहा है, बहुत आगे कदम बढ़ाए नहीं जा रहे हैं, और यहाँ पत्थरों से ही पानी निकल रहा है यार, फ्लो देख रहे एक बार आप भाई। और गुफाओं के अंदर पहुँच चुके हैं अपन और आगे बढ़ रहे हैं। पानी नहर जा रही है घर पे और अपन खड़े इधर और आगे भी जा रहे हैं तो और आगे चलते हैं और देखते हैं। और ऊपर से रोशनी आ रही है ना वो उसका मस्त लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एक गलती गलती अपन ने ना एक कोई फ्लास्क नहीं रखी जिस पर अपन हम गैजेट रख सकें, तो भाई अब रखनी चाहिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं कि हम देखते कहाँ तक चल पाते हैं। और यहाँ देखो भाई क्या सनलाइट आ रही है जबरदस्त। ये देखो कहाँ पहुँच गए ये लोग, और भाई क्या फन लाइट आ रही है, इसकी भी एक स्टोरी स्टोरी नहीं पता बस, लेकिन डिस्प्ले में जरूर आ रही होगी। और यहाँ पे फन लाइट आ रही है तो क्या मस्त क्वालिटी लग रही है। भाई खड़ा नहीं होया जा रहा बिल्कुल भी, भाई फ्लो बढ़ रहा है रुका नहीं जा रहा हूँ, ये देखो क्या कंट्रोल की वजह से आपको। डर भी लग रहा है ना बहुत ज़्यादा, लोग चिल्ला के फिर रहे हैं वहाँ पर, फ्लो बड़ा जबरदस्त आ रखा है बहुत। हम तीसरे खड़े हैं तो इसलिए खड़े भी हो पा रहे हैं, अगर मान लो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खड़े हो जाएंगे तो फ्लो भी तीन जगह के लेगा। तो फ्रेंड्स अपना पास वही रखा है खाना और जाने की हिम्मत है नहीं, अब वहाँ पे जा रहे हैं, बहुत मज़ा बहुत आ रहा है, बड़ी एडवेंचरस जर्नी आ चुकी है, आज बड़ा एडवेंचरस हो रहा है। कैसे कैसे बढ़ा रहा हूँ, ये गैप है एक, फिर ये दूसरा, फिर ये ऐसे आगे आगे तक चलते हैं।
एक चप्पल आ रही है साइड में रहते क्योंकि भाई की होगी तो ले लेगा भाई। ऐसे पता ही चप्पल आती रहती है फुल हो बहुत तेज हो रखा है और चलने के उनसे बेस्ट तरीका लंबे लंबे पैर बढ़ाओ थकोगे भी नहीं और उससे भी ज़्यादा कवर हो जाएगी। अरे आगे तो चलते आगे तक अपने आप ही चले जा रही है देख लो ये देखो पैर ऊपर रखो चलते रहो अरे भाई पत्थर भी देख कर तो फ्रेंड्स अब देखो रोशनी आ गई वो थी अपनी केव गुच्छू पानी वाली ये गुच्छू पानी रोबस केव और क्या सनलाइट आ रही है वाह मज़ा आ रहा है बस आ गया मज़ा लग रहा है भाई कैसा लग रहा है मज़ा आ रहा है बस अच्छा है घर बैठ के बोर हो रहे थे हाँ इधर आ गए मज़ा आ गया गुच्छू पानी तो है तो फ्रेंड फाइनली टाइम फॉर लीव गुच्छू पानी बहुत बहुत मज़ा किया हम लोगों ने और हम सब के सब कम्प्लीटली भीग चुके हैं किसी ने कोई चेंज नहीं करा था क्योंकि हम कोई प्लान करके नहीं निकले थे घर से कि हम गुच्छू पानी ही जाने वाले हैं वहाँ इंजॉय करने वाले हैं तो जैसे ही कपड़ों में थे वैसे ही आ गए हमने मतलब चेंजिंग रूम वगैरह होता है हमने कुछ नहीं लिया ऐसे ही चले गए बहुत बहुत मज़ा किया और देख सकते हो पूरा भीग चुका हुआ है इवन मेरे पास कुछ कैश था वो भी भीग चुका है कम्प्लीटली अब देखना पड़ेगा भाई कितना था खैर बस गीला हुआ वो कोई इशू नहीं है लेकिन फटा नहीं होना चाहिए वाह वरना बहुत बहुत इश्यू हो जाएंगे बाकी सबकी कंडीशन दिखाता हूँ भाई ये देखो भाई ये भाई साहब कम्प्लीटली मज़ा क्या नहीं किया बहुत तो बताओ मुझे तो बहुत मज़ा आया है ना काफ़ी टाइम बाद 8-9 साल बाद घर के बगल में हाँ और भाई मज़ा आया बहुत बढ़िया मज़ा आया स्लो काफी तेज आ रहा था भाई हाँ हाँ पुलिस फोर्स आ गई है कि बताने के लिए भी क्योंकि मतलब कि मसूरी में बारिश हो रही है तो भाई अब खाली कर दो क्योंकि वाटर लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है स्लो भी तेज आ रहा है और भी बढ़ जाएगा और एक बार हैज भाई देखो भाई इन भाई ने ज्यादा एंजॉय करा भाई पानी में तैर तैर के दिखा रहे थे मछलियों की तरह सब कुछ तो फ्रेंड्स आज के लिए इतनी रखते हैं कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना और आपसे मिलते हैं किसी अब अनदर व्लॉग में टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।